हेलो फ्रेंड, मैं रणवीर कुमार और आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट टू आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे कि जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि आपको ये स्क्रीन के साथ साथ, आपको बोर्ड के साथ साथ, आपने हमें जो कंटेंट जो है वो भी आप पूरी अच्छे तरह से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। करेक्ट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना सिग्नेचर होता है। अपना सिग्नेचर तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। पहले आपको पूरी तरह से समझना है और उसके बाद फिर आप इसको देखते जाएंगे। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अब यहाँ पे क्या है कि इस चीज को समझना है कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करते हैं तो ये जो एक्स जो होता है ये होता है हमारा रियल पार्ट, ये हमारा होता है रियल पार्ट। और वाई जो है यानी आई के साथ जो ये वाई देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। करेक्ट, यहां पे इंपॉर्टेंट है दो चीज और है, यानी कि अगर हम इसको कार्टिशियन प्लेन में देखते हैं, कार्टिशियन प्लेन में जैसे कार्टिशियन प्लेन होता है सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन प्लेन होता है। तो आर्गन प्लेन का मतलब है कि अगर हम ये देखें कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम सिर्फ कर रहे हैं तो ऐसा ही हमारा 2D में दिखता है, उसी तरह से ये हमारा आर्गन प्लेन हो गया। एक्स एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ये एक्स पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और वाई इधर वाले पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे हमारा एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मेट होता है उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट हमारा रियल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट में अगर हम पिक्चर नोटेशन से समझे आर्गन प्लेन में, तो रियल पार्ट ये हमारा है और वाई एक्सिस को इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो इसको एज ए एग्जाम्पल हम समझने का कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं तो इस चीज को आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट, एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 + 3i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो रियल पार्ट में 2, जैसे हमारा नंबर लाइन में होता है 0 1 2 1 2 3, तो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रियल पार्ट 2 हो गया और इमेजिनरी का 3 वैल्यू यहाँ हो गया, तो 2 + 3i यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 2 + 3i। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम यहाँ पे टू केसेस लेते हैं, टू केसेस, अगर हमारा पहला केस ये हो, फर्स्ट केस हम ये ले रहे हैं कि अगर हमारा, मान लीजिए बोलते हैं इफ एक्स 0 हो जाए, अगर एक्स 0 हो जाए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर x 0 हो गया यानी कि आपको क्या दिख रहा है, ओनली इमेजिनरी पार्ट, यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट अब दिखेगा। तो हम इसको बोलते हैं इफ x इक्वल टू 0, दैट मींस z इज, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज प्योरली इमेजिनरी। उसी तरह से अगर हमारा y इक्वल टू 0 हो जाए, अगर मान लीजिए y 0 है तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, अगर ये बंद हो जाए तो हमारा क्या हो, z इक्वल टू x यानी कि z इज प्योरली रियल वैल्यू देगा। तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान है। अगर हमारा z इक्वल टू 0 है यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू 0 + 0i, तो सिंपल है, अगर 0 का मतलब है सिंपल जेड 0 + 0i, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसी चीज को अगर हम यहाँ पे अगर हम
जाते हैं। अब इसको आप कंटेंट के थ्रू देखने का कोशिश कीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एनी नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई वेर आई इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन एंड एक्स वाई मे बी रियल नंबर्स और द नंबर्स कंटेनिंग आई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए कि 2 + 3i, 2 - 3i ओनली 3, ओनली अगर 3 लिखेंगे तो आप सोच सकते हैं z इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ 3 + 0i, ओनली रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, ठीक है। नाउ अब आगे आते हैं, हम आगे इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने जो समझाया डिफरेंट पार्टिकुलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जहां पे ये समझा जा सकता है बहुत आसानी से कि ये जो है हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, इफ यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट अगर हमारा z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, यानी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ रियल पार्ट इक्वल टू 0 then z is purely imaginary complex number, if imaginary part equal to 0 then z is purely real number, जो हमने यहाँ पे समझाया। आपको ये बोर्ड का भी पूरा फायदा मिल रहा है और साथ साथ हमने जो कंटेंट आपको दे रहे हैं उसका भी पूरे तरह से फायदा आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे ये समझना है हमें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने यहाँ पे दिखाया था आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई एक रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन। इस चीज को बहुत ही आसान, पहले मैं बोर्ड पे समझाऊंगा फिर वहां जो लिखा हुआ है, ताकि आपको बहुत ही आसानी से क्लासरूम का पूरी तरह से क्लासरूम है ये क्लासरूम का आपको पूरी तरह से फायदा मिल सकता है। तो अब ऑपरेशन, मैं शुरू फर्स्ट क्लास में बोला था कि जब आयोटा यूलर्स ने इसको डेवलप किया था तब उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, उन्होंने बोला कि बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन आप वैसा ही करते हो, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन आप वैसा ही करते हो जैसे हम लोग रियल अलजेब्रा में करते हैं। तो यहां पे मान लीजिए हमारे पास क्या क्या बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है। तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें क्या हो सकता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो सकता है, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और इक्वल, ये पांच बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन पे अगर हमको चाहिए तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हमें कोई भी एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उसके लिए दो नंबर का होना जरूरी है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का होना जरूरी है। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल से आप पूरे ऑपरेशन को समझ सकते हैं। तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया 3 + 2i और z2 लिया 5 + 6i। तो यहां पे अब देखेंगे तो दोनों को हम ऐड करते हैं z1 + z2। तो सबसे पहला रूल नंबर वन, रियल को रियल के साथ ऐड कर सकते हैं आप, रियल को रियल के साथ, रियल इमेजिनरी के साथ कभी भी ऐड नहीं होगा। तो रियल नंबर 3 है यहाँ पे, इसका 5 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस इमेजिनरी कितना है 8i। तो ये हमारा बेसिक एडिशन का ऑपरेशन हुआ। सब्सट्रैक्शन अगर हमको करना है कोई भी नंबर में तो सिंपल यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड z1 - z2 = 3 - 5 यानी -2, 2 - 6 - 4i, ये हमारा हो गया सब्सट्रैक्शन। उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है z1 × z2 अगर हमको ऑपरेशन करना है, यानी कि पहले हम लिख लेंगे नंबर को 3 + 2i 5 + 6i, तो ये कितना हो गया 15 + 3 × 6i 18i + 10i + 6 × 2 12i × i i² इतना होने के बाद यहाँ पे 15 प्लस ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, कितना हो गया 28i i² = -1 12 - 1 15 - 12
3+28। ये हमारा बेसिक ऑपरेशन हो गया जहां पे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इससे आसान क्या हो सकता है, करेक्ट। अब यहाँ पे थर्ड फोर्थ ऑपरेशन है कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो सेम वे आप देख सकते हैं Z1/Z2, तो इसको 3+2i डिवाइडेड बाई 5+6i। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है। यहाँ पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1/Z2 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है, तो पहला हमारा काम है जो मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि कभी भी आई डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में हटाना है तो उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन से हमारा इसको ये नीचे का आई हट जाएगा, तो रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5-6i 5-6i। मल्टीप्लीकेशन जस्ट हमने अभी देखा है, दोनों को मल्टीप्लाई की ऊपर वाला पार्ट को मल्टीप्लाई हो जाएगा 5-6i डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 a+b a-b, फॉर्मूला अलजेब्रिक ऑपरेशन का लेगा, a² - b² लग जाएगा 25 i square होता है -1 और प्लस माइनस माइनस i² - 1 कितना होगा 36। अब ये हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 - 18i + 10i + -6 × 12 i² / 61। यहाँ पे अब हो गया ये i² = -1, तो 15 - 18i + 10i - 8i i² - 1 - - + / 61। 15 + 12 = 27 - 8i / 61। यानी हम इसको लिख सकते हैं 27 / 61 - 8i / 61। ये बहुत ही सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1/Z2 फॉर्मेट में है तो ये अल्टीमेटली हमारा आंसर हमारा आ रहा है 27/61 - यानी कि ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों का बेसिक ऑपरेशन जो होता है ये हम लोग एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये करते हैं। और उसके बाद चौथा फर्स्ट एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 3+5i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a+bi। तो इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस चीज को समझे। यानी कि हम बोलते हैं Z1 = Z2, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, 3+5i = a+bi अगर है, यानी कि a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना होगा 5। रियल को रियल के साथ कंपेयर कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर दें, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जो बेसिक पांच ऑपरेशन है इसको हम आपको जो कंप्यूटर है इस पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और मैं समझाने की कोशिश करता हूं पॉइंटर के थ्रू। यहां आप YouTube पर डालेंगे ना? हाँ भाई, तुम लोग कितना हल्ला करते हो, मैं कितना डिस्टर्ब हो रहा हूँ। नीचे हल्ला क्या हो रहा है, कूट रही है तो कुंची कुंची कर रही है। तो खेम डालेंगे नहीं तो कब काटे डालेंगे, तेरा बंद होने का टाइम इंतजार करते रहेंगे, करते करते हैं खाने के टाइम नाश्ता बन गया अपना खाई लो, खाली खाने सुस्त है। करेक्ट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन।
क्लियर है। अब यहाँ पे जो हम आपको दिखाया थे उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखने का कोशिश कीजिए कि जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा था आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार बेसिक ऑपरेशन हमने जो लिखा है, इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया गया है, रियल पार्ट को एक साथ जोड़ दिया गया है, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ दिया है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस तरह से सारे चीजें हमारा। अब यहाँ पे आप डिवीजन भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द अल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर आर सिमिलर टू दोज ऑन रियल नंबर ट्रीटिंग आई एज ए पॉलीनोमियल। यानी कि हमने जो सिखाया यहाँ पे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 5i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 + bi, यानी कि अगर हम रियल को और इमेजिनरी को इक्वेट कर देंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू निकल जाएगा। इनइक्वालिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट डिफाइंड। इनइक्वालिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 3 + 5i > 4 + 6i, ये रॉन्ग है, ऐसा हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। रियल दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन रियल आर नॉट डिफाइंड, देयर इज नो वैलिडिटी इफ वी से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि मान लीजिए हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है रियल नंबर में, देन हम लोग बोलते हैं ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू बी, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा। दिस विल नेवर वर्क, डज नॉट इम्प्लॉय जेड वन जेड टू इक्वल टू जीरो हो सकते हैं। तो यहां तक जानने के बाद, उसके बाद हम यहां तक ऑलरेडी ले चुके हैं इन इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन ए वन प्लस आई बी वन जेड टू ए टू प्लस आई बी टू। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइप वन प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 4x + i 3x। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको इसको जो है करके दिखाता हूं, साथ साथ इसमें मैंने सॉल्यूशन भी रखा है। तो 4x + i 3x - y = 3 - i 6। तो हमने क्या, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है, देखना है। तो क्वेश्चन को देख करके क्या लग रहा है कि हमारा अगर ये राइट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड में कुछ अननोन वैल्यू है x एंड y, और x और y का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले हम एक पेयर बनाएंगे जो कि रियल पार्ट इधर का और उस साइड का रियल पार्ट को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे 4x + i को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3ix - iy, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, इसको करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये पूरा तरह से ये इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर देंगे तो 4x = 3x = 3/4 और 3x - y = -6, 3x - y = -6 है। तो x का वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 × 3/4 = -6, यानी कि ये हो गया 9/4 - y = -6, -y = -9/4 - 24 - 9/4 That is -33/4, यानी ये y का वैल्यू हो जाएगा 33/4। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं इन इक्वालिटी ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को। सेम विद 3y - 2 + i 7x - 2x = 0, यानी कि हमारा राइट साइड में जीरो है, इसको हम लोग कैसे आराम से बना सकते हैं, ये क्लियर है आपको एग्जांपल। ये बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स है जो आप आराम से देख सकते हैं। तो 3y - 2 + i
सेवन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो प्लस जीरो आई है, ये हमारा रियल पार्ट है, यानी थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, थ्री वाई इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू बाई थ्री, ये पार्ट एक निकल गया। सेवन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस सेवन, एक्स इक्वल टू सेवन बाई टू। इस तरह से हम लोग कंपेयर करके आप कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो आपका प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने बनाया था, x का वैल्यू 3 बाई 4, y का वैल्यू 33 बाई 4, सेम वे यहाँ पे किया गया, x इक्वल टू 7 बाई 2, y इक्वल टू 2 बाई 3। उसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, 3 बाई रूट अंडर 5 x इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा, करेक्ट, 3 बाई रूट 5 x माइनस 5 इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम वे यहाँ पे जस्ट इक्वेट करना है। क्वेश्चन नंबर टू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 माइनस 8 प्लस 6i डिवाइडेड बाय 1 प्लस i का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको आपको मैंने सिखाया था डिविजिबिलिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस चीज को देख सकते हैं कि इसको बनाना है अगर, तो 5 माइनस 8 प्लस 6i डिवाइडेड बाय 1 प्लस i का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस आई बी है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला चीज ये सोचना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्ट पेन कभी नहीं उठाना है। आप कोई भी मैथ का प्रॉब्लम करते हैं तो सबसे पहले सोचिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं मैथ का क्वेश्चन मिला नहीं डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं करना है कभी भी। मैथ के क्वेश्चन में आपको हमेशा ये देखना है कि पहला ऑपरेशन में क्या लो, यहाँ पे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये आएगा, और यहाँ पे ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर, माइनस 40 प्लस 30i डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे है ए प्लस आई बी, यानी कि माइनस 40 प्लस 30i डिवाइडेड बाय, यहाँ पे i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस 2i माइनस 1 ये कट जाएगा, a प्लस आई बी। अब यहां सोच सकते हैं माइनस 40 प्लस 30i डिवाइडेड बाय 2i इक्वल टू a प्लस आई बी। अब सिंपल सी बात है कि हमारा जो ये है, हमने क्या बोला था, i नीचे में कभी नहीं रहना चाहिए, तो मैं इसको ऊपर में मिटाता हूं और इसको 2 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 15 आई डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो आई अगर हमारा नीचे में है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से, अब यहाँ पे माइनस 20 प्लस 15 आई डिवाइडेड बाय आई, यहाँ पे हम आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ए प्लस आई बी आएगा, यहाँ पे माइनस 20 आई ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस 15 आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये हो जाएगा आपका माइनस 20 आई आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस आई बी। माइनस को कॉमन ले लिया और रियल वैल्यू को आप पहले लिखिए, 15 प्लस 20 आई डिवाइडेड बाई माइनस ये कट गया, यानी कि अगर रियल को कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू 15 बी इक्वल टू 20, इस तरह से हमारा ए और बी का पेयर निकल गया, तो ए इक्वल टू 15 और 20, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, सिंपल है, a equal to 15। इसी तरह से आप दूसरे सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, x plus i y का होल क्यूब, i y का 1 का पावर 1 by 3 equal to a plus ib, प्रूफ करना है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप यहाँ पर बना सकते हैं, तो x plus i y का पावर 1 by 3 equal to a plus ib है, प्रूफ करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्वेश्चन देख करके ही लग रहा है कि इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमारा है ये, तो हम अगर क्यूब कर दे दोनों साइड तो x प्लस आई वाई का अगर क्यूब करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा और a प्लस आई बी का पावर क्यूब हो गया। तो 1/3 का पावर तो हमें नहीं आता है लेकिन पावर 3 a प्लस आई बी का पावर क्यूब, तो लेफ्ट साइड में ये रह गया a प्लस आई बी मतलब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बेसिक फॉर्मूला है करेक्ट। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को अरेंज कर लीजिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इंटू आई, यहाँ i स्क्वायर होगा माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 3ab स्क्वायर और i क्यूब कितना होता है माइनस i तो माइनस i बी क्यूब। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास रियल पार्ट को एक साथ रखिए ए क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, ये इमेजिनरी ए इमेजिनरी प्लस आई थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इतना बहुत सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिंपल हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया, क्यूब करने के बाद ऑपरेशन कर दिया और इक्वेट करते हैं, इक्वेट करते हैं एक्स इक्वल टू ए क्यू माइनस थ्री ए बी स्क्वायर और वाई इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, इतना हो गया। अब हमें जो पूछता है यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल सा चीज है, पूछ रहा है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, यानी कि अगर हम यहां से ए कॉमन ले लें, यहां से ए कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम b कॉमन ले लेते हैं ठीक है, तो b कॉमन लेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैं थोड़ा बोर्ड पे नीचे ऐसे करता हूं ताकि आपको दिख सकता है, ये क्या हो गया x by a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, y by b इक्वल टू क्या हो गया 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बहुत सिंपल सिंपल ऑपरेशन कर रहे हैं करेक्ट। इतना करने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है x by a आ गया y by b दोनों को मर्ज कर दीजिए, तो मर्ज करने के लिए मैं ऊपर इसको कर देता हूं, मर्ज करता हूं तो x by a plus y by b equal to a square minus 3b square plus 3a square minus b square, अब ये हमारा एड होकर के 4a square माइनस 4b स्क्वायर आया 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x by a plus y by b, यही हमें प्रूफ करने के बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि ये हमारा बहुत ही आसान आपको बनता है। सेम वे आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर द इक्वेशन सेम, ये मैं होमवर्क आपको देता हूं करने के लिए करेक्ट, और इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट पे इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, सिंपल ये क्वेश्चन है x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 रूट अंडर माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 4 प्लस 9x क्यूब 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, बहुत ही आसान है, बहुत बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सा सोचने वाली बात है कि ये जो इक्वेशन, अब पहला रॉन्ग स्टेप लोग क्या करते हैं x का जो वैल्यू है उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कभी भी नहीं करना है वैसे, कभी भी अगर आपका x का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको पहला स्टेप ये सोचिए कि आखिर इसको देने का पर्पस क्या है, इसको देखने का पर्पस है कि कुछ ना कुछ इसमें छुपा हुआ है उसको खोजना है। सबसे पहले तो इसको सही तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में लाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पे x प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू, इसको अगर हम लिखेंगे तो 4 का रूट 2 बाहर कर दिए और माइनस 1 के बदले में हम आई स्क्वायर लिख देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे आप इसको माइनस वन ऐसा ही है। सेकंड स्टेप यहां पे क्या होता है, ये आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई इक्वल टू रूट अंडर माइनस आई, ये तो हमें मालूम है, तो हम इसके बदले में आई लिख सकते हैं, करेक्ट। अब यहां सोचिए कि हम क्यों ना इसको, ये पूरा पार्ट, ये पूरा रियल वैल्यू है, करेक्ट, ये हमारा इसमें एक इमेजिनरी है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए हमेशा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, एक्स प्लस फाइव बाई फोर आई का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, फोर फोर जस्ट सिक्सटीन, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, यानी कि माइनस सिक्सटीन। अब यहाँ पे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस, ये इधर आएगा तो फोर्टी वन इक्वल टू जीरो, यानी कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था पहले यहाँ पे, हमने उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस फोर्टी वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसका कमाल देखिए कि अभी कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप यहां तक क्लियर है आपको। अब मैं इस पार्ट को मिटाता हूं, आपको कुछ भी और आगे बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस फोर्टी वन इसमें आपको डिवाइड कर देना है, नाइन एक्स क्यू प्लस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, यही हमारा है x का पावर फोर, नाइन एक्स क्यू, हमेशा पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फोर थ्री टू वन जीरो ऐसा में। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यानी कि ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स का पावर फोर, टेन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स क्यू फोर्टी वन एक्स स्क्वायर, यानी कि ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, ये आपका क्या बचा, माइनस एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यानी कि अगर हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स क्यू आ जाएगा, टेन एक्स माइनस एक्स कितना होगा, माइनस टेन एक्स स्क्वायर फोर्टी वन एक्स माइनस एक्स माइनस फोर्टी वन एक्स, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, अब क्या बचा, टेन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर, करेक्ट, फोर एक्स स्क्वायर, ये क्या बच गया आपका, प्लस फोर्टी एक्स प्लस फोर, ये आपका बचा है। तो हम यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, प्लस फोर से यहां करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर, ये टेन एक्स, ये प्लस फोर्टी एक्स, फोर्टी वन इंटू फोर कितना होगा, प्लस वन सिक्सटी फोर, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये कट गया, ये कट गया आपका माइनस वन सिक्सटी। आप डिवीजन में देख सकते हैं कि ये हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, रिमाइंडर माइनस वन सिक्सटी बचा है, यानी कि अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसका वैल्यू, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने निकाला था इसका वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना है, जीरो है। अब इस वैल्यू का हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस, दिस इंटू दिस, ये ऑलरेडी जीरो है, तो जीरो इंटू कोसेंट, जीरो प्लस माइनस वन सिक्सटी, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस वन सिक्सटी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने पेयर बनाया है उसके हिसाब से, तो मैं कभी भी सॉल्यूशन को प्रिफर नहीं करता हूं। अब क्वेश्चन पार्ट टू है, टू पुट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ये ऑलरेडी हमने बता दिया है, जो ए प्लस आई बी फॉर्मेट में है उसको रैशनलाइज करके आप आराम से कर सकते हैं, तो ये सब आप होमवर्क के फॉर्मेट में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये हमने बता दिया है, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, टू माइनस थ्री आई फोर माइनस आई, ये भी आप और मैं सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं आराम से। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड फाइंड द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, इसको भी आप आराम से बना सकते हैं, क्लियर है, ये सारे ए प्लस जेड वन बाई जेड टू फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे है वन माइनस आई वन प्लस आई, ये क्वेश्चन आप
देख सकते हैं, ये भी बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और सिर्फ आज हम इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन बना रहे हैं। वन माइनस आई, वन प्लस आई का पावर 100, ए प्लस आई बी। सिंपल है, पहले स्लाइस कर लेंगे तो वन माइनस आई यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस आई, वन प्लस आई, वन माइनस आई। इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, वन माइनस आई का होल स्क्वायर, वन वन आई स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब आई स्क्वायर माइनस वन है डिवाइडेड बाई टू, ये कट गया, ए टू कट गया, यानी माइनस आई। अब माइनस आई का पावर 100 इक्वल टू ए प्लस आई बी आ गया, करेक्ट। तो यहां माइनस वन का पावर 100 हो जाएगा और आई का पावर 100 हो जाएगा, ए प्लस आई बी। अब यहां पे आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं, माइनस वन का पावर इवन नंबर है तो ये वन हो गया, आई का पावर 100 यानी कि कितना होगा, ये वन होगा क्योंकि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कल के क्लास में मैंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक याद रखिए, आई का पावर 4 से डिवाइड कीजिए इसको, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आई का पावर 0 आंसर हो जाएगा। आई का पावर 0 कितना होगा, 1, 1 इक्वल टू ए प्लस आई बी, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आई इक्वल टू ए प्लस आई बी, यानी कि हमारा ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया और बी का वैल्यू 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग आंसर तक पहुंचे हैं इसमें। तो चॉइस क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, यानी बी, देख लीजिए बी इज द करेक्ट आंसर। सेम वे ये आप खुद से बना सकते हैं, मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आप खुद से बनाइए, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में है, जेड वन बाई जेड टू फॉर्मेट में आएगा, आप उसको फैसलाइज करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है आज पूरा का पूरा क्लास जो हुआ है इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे हुआ है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट टू था। अब इस तरह से हमारा जो है सारा का सारा कोर्सेस आपको ऑनलाइन में फैसिलिटी मिलेगा, और जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको बहुत सारे लोगों तक आप इसको पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे लोग जिनको ये जरूरत है और जो खुद से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एकदम मैं क्लासरूम पूरा का पूरा दे रहा हूँ, आप इनको फायदा उठा सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।